दिसंबर में सर्दी से ज़्यादा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की गर्मी देखने को मिल रही है। बिल आते ही लोग प्रदर्शन करने के लिए रोड पर उतर आए। 100 में से 90 लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। जैसे कि जो नया कानून आया है नागरिकता कानून, पता है आपको नागरिकता कानून है? पता क्या? लहसुन जो है 20 रुपया केजी होना चाहिए, उसको 200 रुपया केजी करना। नागरिकता कानून में लहसुन 200 रुपया केजी चल रहा है। गरीब आदमी मर रहे हैं, लहसुन क्या खाई ले रहे हैं। ठंडा का मौसम है, ठंडा का मौसम है। एनआरसी कानून में महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है सर, एनआरसी कानून कानूनी जरिए से बढ़ रहा है सर, कानूनी जरिए। अब मैं आपको सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बारे में समझाता हूँ। यदि आप इन 3 देशों में से हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, और इन 6 समुदाय से हैं, हिंदू, सिख, पारसी, बुद्ध, ईसाई, जैन, तो अब आपको 11 साल तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अब आपको भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए सिर्फ 5 साल का इंतज़ार करना होगा, यानी कि दिसंबर 2014 से 2019 तक सभी इलीगल इमिग्रेंट को भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। अब एक मेजर प्रॉब्लम ये आ रही है कि सिर्फ ये 3 देश ही क्यों और ये 6 धर्म ही क्यों? क्या ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं है? उत्तर के लिए मैंने कुछ पार्लियामेंट्री डिस्कशन सुनी और हरीश सालवे का चैनल देखा, जिससे मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा हूँ कि पूरे बिल का एम माइग्रेशन के लॉज को एक्सपांड करना और रिलैक्स करना है। अब कितना एक्सपांड करना है और कितना रिलैक्स करना है, ये तो इस पर पॉलिसी ही होगा। ऑफिस ऑफ होम मिनिस्टर बताता है कि हमारे पड़ोसी देशों में जो माइनॉरिटीज़ है उन पर अत्याचार हो रहे हैं, धर्मांतरण हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, धार्मिक उत्पीड़न हो रहा है। अब ये 3 देश ही क्यों? क्योंकि इन सभी देशों के संविधान के अनुसार ये देश सेक्युलर नहीं है, ये देश इस्लामिक है, और ये 6 समुदाय के साथ धार्मिक उत्पीड़न किया जा रहा है इन सारे देशों में। दूसरा और सबसे बड़ा विरोध उत्तर पूर्व के राज्यों से आता है, सबसे ज़्यादा आसाम से। अब 1920 से जब पूरे देश में दंगे शुरू हो रहे थे, इस टाइम में लोगों ने बाहर से आसाम में आना शुरू कर दिया और आसाम की भूमि पर अपना हक जमाना शुरू कर दिया। इनके कारण लोकल की पॉपुलेशन कम हो रही थी और इमाइग्रेंट की बढ़ रही थी। और 1948 से 1971 तक बांग्लादेश के गठन के बाद लाखों लोगों ने उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की ओर पलायन किया। इंडिपेंडेंस के बाद और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के वक्त नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अपने कल्चर की बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए जम्मू और कश्मीर की तरह उत्तर पूर्व क्षेत्रों को भी स्पेशल राइट्स दिए गए, जैसे कि सिख शेड्यूल और इनलाइन परमिट। 1978 में आसाम के सांसद हीरालाल पटवारी की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण री इलेक्शन होना था। इलेक्शन कमेटी ने पाया कि आसाम के रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या अचानक से बढ़ जाती है, इसका मतलब रिफ्यूजीज़ की संख्या बहुत बढ़ जाती है, जिसके वजह से चुनाव समिति द्वारा चुनाव को खारिज कर दिया जाता है। आसाम की एक कमेटी फैसला करती है कि इलीगल इमिग्रेंट को डिटेन करके डिपोर्ट कर देना चाहिए। ये था आसाम आंदोलन, जो 1979 से 1985 तक था। उसके बाद आता है आसाम अकॉर्ड 1985 में, जिसमें कहा गया है कि आपके धर्म के बावजूद यदि आप 24 मार्च 1971 के बाद आए हैं तो आप सिटीजन नहीं कहलाएंगे, आप इलीगल इमिग्रेंट ही कहलाएंगे। आसाम अकॉर्ड को फुलफिल करने के लिए लाया गया एनआरसी, जिसमें 19 लाख इमिग्रेंट पाए गए थे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 यह कहता है कि 1971 से भी नहीं, हम 2014 से चेक करेंगे, तो हुआ ना सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल फ्लेक्सिबल। इसलिए भारतीय मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है, फिर भी लोग मूर्खों की तरह विरोध कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह CAA के बारे में बिल्कुल नहीं है, यह राम मंदिर, धारा 370, ट्रिपल तलाक का फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए आंदोलन हो रहा है, जिसमें कुछ पढ़े लिखे गवारों को तो ये पता ही नहीं है कि ये आंदोलन क्यों किए जा रहे हैं।